नाइट चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। प्रेस वार्ता के दौरान भावुक हुई रेणु चौधरी, पिता पुत्र पर लगाए अपमानित करने के आरोप। पार्टी में महिलाओं का नहीं है मान सम्मान, बोली रेणु चौधरी, कांग्रेस को देगी समर्थन। कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया स्वागत, कहा कार्यकर्ताओं से है नेता, नेता से कार्यकर्ता नहीं। और बीजेपी की तरफ से महिलाएं कर रही हैं प्रचार, लोगों से पार्टी के हक में वोट की अपील। खबरें विस्तार से। क्यों एक महिला के आंखों में आंसू आए, सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पार्टी की कार्यकर्ता भावुक हो उठी और दूसरी पार्टी को समर्थन देने की बात कर रही थी। चुनावी सरगर्मियां हैं तो जाहिर है खबर भी राजनीति से जुड़ी हुई थी। तो चलिए आप भी देखिए ये तस्वीरें, उसके बाद में बात करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से भाजपा को छोड़ूंगी। डॉक्टर राम प्रताप जी और उनके पुत्र के अभद्र व्यवहार के कारण आज मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है बड़े भारी दिल के साथ, अपने दिल पर पत्थर रखते हुए, कि मैं कांग्रेस को समर्थन दूं। और मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत साथ दिया है, तहे दिल से उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो ये थी रेणु चौधरी, जो भाजपा की कार्यकर्ता रहने के साथ साथ भाजपा के कई पदों पर भी रह चुकी हैं, लेकिन आज उन्होंने ही अपनी पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया है। और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ रेणु चौधरी ने कांग्रेस को खुला समर्थन देने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुई हैं, बल्कि कांग्रेस को समर्थन दे रही हैं और भाजपा को वो नहीं छोड़ सकती। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर राम प्रताप जी का जो इतना व्यवहार गलत है, एक जलालत वाली जिंदगी जीने से अच्छा है कि आज मैं पार्टी को छोड़ करके समर्थन दूं कांग्रेस पार्टी को, भाजपा को मैं कभी नहीं। ये है भाजपा की कार्यकर्ता रह चुकी रेणु चौधरी, जो भाजपा पार्टी में पिता पुत्र के अपमानजनक रवैये से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेत्री रेणु चौधरी ने सोमवार में टाउन स्थित अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान रेणु चौधरी ने हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में खुला समर्थन देने की घोषणा की है। इस मौके पर भाजपा नेत्री रेणु चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप व उनके पुत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भावुक होकर उन्होंने कहा कि मंत्री व मंत्री पुत्र द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा महिलाओं का पार्टी में किसी भी तरह का मान सम्मान नहीं किया जाता। आज तक सम्मानजनक शब्द से संबोधन नहीं किया उनका, महिलाओं के प्रति संबोधन हमेशा गलत होता है, उनके पुत्र का तो कहना ही क्या है। और आज तक इतने दिन हो गए, मुझे कोई भी मंत्री जी की तरफ से व्यक्ति नहीं आया, किसी ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई हमें बुलाने नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया, कोई कहने नहीं आया। तो इस तरीके से तो हम पार्टी के न्यू हैं। जिस वक्त मंत्री जी खुद हारे हुए थे, उनको आना था, वो नेता थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी कार्यक्रम में, आप सबको पता है इस बात का, किसी भी कार्यक्रम में उन्होंने भाग नहीं लिया। जब भी उस वक्त हमने झंडे उठाए थे तो सिर्फ हम लोगों ने झंडे उठाए थे। आज उन्होंने जिन कार्यकर्ताओं को बना रखा है, पार्टी संगठन का जो पदाधिकारी बना रखा है, उनको ये भी नहीं पता कि पार्टी क्या होती है, संगठन क्या होता है। ऐसे ऐसे लोगों को पता नहीं कहाँ से उठा करके उन्होंने पदाधिकारी बना दिया। आखिर क्यों इस तरीके से कोई पार्टी थोड़ी चलती है? पार्टी दिल और भावना से चलती है और सम्मान से चलती है, कार्यकर्ताओं के सम्मान से पार्टी चलती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि वो भाजपा पार्टी की हैं और भाजपा पार्टी में ही रहेंगी, पार्टी से उनका कोई विरोध नहीं, बल्कि विधानसभा क्षेत्र से पार्टी कैंडिडेट वो उनके पुत्र से नाराजगी है। उन्होंने कहा कि वो भाजपा को नहीं छोड़ रही, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी को अब की बार चुनाव में अपना समर्थन दे रही हैं।
इस मौके रेणु चौधरी ने कहा कि आगामी 26 नवंबर को टाउन में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 5 से 7 हजार कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार को खुला समर्थन देने की घोषणा करेंगे। 26 तारीख को सुबह उत्तम पैलेस के आगे हम एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें भाजपा के कद्दावर नेता, जो आज तक के नीम कहे जाते हैं भाजपा के, वो सभी कांग्रेस को समर्थन देंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और सबको पार्टी में मान सम्मान देने की भी बात कही। एक के बाद एक जिस तरह से भाजपा को उसके ही कार्यकर्ताओं के द्वारा झटके दिए जा रहे हैं, उससे कांग्रेस का मनोबल बढ़ रहा है और चौधरी विनोद कुमार जिस तरह से पार्टी में शामिल कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात कर रही है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी अंदर ही अंदर हनुमानगढ़ से सत्ता पर जीत के सपने भी देख रही है। चौधरी विनोद कुमार ने कांग्रेस में शामिल हुए तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि पार्टी में हमेशा उनका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि वो कार्यकर्ताओं से है, न कि कार्यकर्ता उनसे। तो मैंने मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने 5-4 लोगों को बुलाया, जिसमें मैं मेरा बड़ा भाई मानता हूँ गौरव जैन को, उनको बुलाया, 3-4 लोगों को और को बुलाया। मैंने कहा भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मेरे साथ अन्याय किए। तब उन्होंने कहा भी आज वक्त नहीं है, आज अगर कुछ करेगा तो चेयरमैन तू अकेला है। महीने 4 की बात है, ये लास्ट बैठक है, इसके बाद इनकी कुर्सी भी नहीं रहेगी, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। और उन्होंने कहा कि किस अपमान की बात कर रहा है चेयरमैन, अपमानित तो हम इस शहर के धन्नासेठ है, हमें आप तो वास्तव में दलित हो, चौथे पायदान के लोग हो। जिस व्यक्ति ने इनके चुनाव में करोड़ों रुपए लगाए और नगर परिषद के चुनाव में भी करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, उनके ऑफिस में जाकर के कहा कि ये टॉयलेट बहुत खराब है, इसको साफ क्यों नहीं कराते, तब उस जनप्रतिनिधि ने अब वेल बजा करके अपने सफाई कर्मियों को बुलाया। सफाई कर्मी आए, वो फिनेल और तेजाब की बोतल लेकर के आए, पर उन सबको बाहर धकेल दिया। बाहर धकेल के क्या किया, क्या उठा, हाँ झाड़ू उठा, और तेजाब की बोतल को खोल करके उस टॉयलेट में डाल दिया और उस जनप्रतिनिधि से वो टॉयलेट साफ कराई, क्या टॉयलेट साफ करिए, ये हालात है साथियों। तब उस गौरव जैन ने मुझे हौसला दिया कि छोटे भाई चिंता मत कर, जब भी चुनाव होगा तब इस अपमान का बदला लेंगे। उसी को इन्होंने फार्म हाउस पे कहा कि इसको मेरी नजर से बाहर दूर कर दो, ये दुष्ट है, ये किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं बख्शा है। चाहे एक एक जनप्रतिनिधि को बुला करके पूछ लो, इन्होंने सभी के साथ यही हाल किया है। तो साथियों, ये अपमान का बदला लेने का वक्त है। अगर अभी यहाँ इनके दिमाग में महाराज गंगा सिंह को इस बात का नहीं पता था कि मैं आज इस गद्दी पे बैठा हूं और जब तक जीवित रहूंगा मैं राजा रहूंगा, उसके बाद भी उनमें घमंड नहीं था, वो बड़े न्यायप्रिय थे। वो जब भी यहाँ आते, जब भी उनकी चौखट पे कोई जाता तब वो उनकी बात को सुन करके उस पे मनन करते थे, मंथन करते थे, चिंतन करते थे, उसके बाद सिर्फ चोर को सजा देते थे। पर यहाँ एक उल्टा सिस्टम है, चोर सौकार को सजा दे रहा है। इस बात का बदला लेना है साथियों, आने वाली 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चौधरी विनोद कुमार जी के पक्ष में हाथ के बंदे बटन दबा करके इनको बता देना है कि हनुमानगढ़ की जनता हनुमानगढ़ की जनता है। आप लोगों ने मेरी बात को पुनः सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जो आप सब लोगों ने मेरे घर आकर के जो कांग्रेस पार्टी को और मुझे जो समर्थन देने का आपने ऐलान किया है, उसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। एक एक वोट के लिए उठते हैं कैंडिडेट और आपने सैकड़ों की तादाद में आकर मुझे समर्थन दिया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात मेरे लिए भी हो नहीं सकती। अब जब आपने इतना विश्वास
मेरे पे व्यक्त किया है तो मेरा फर्ज बन रहा है कि आपकी जो भी बात है उसको मैं इच्छाएं हैं उसको मैं पूरा करूं, आपके मान सम्मान को मैं आगे बढ़ाऊं और सार्वजनिक या व्यक्तिगत जो भी उचित काम होगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप निस्संकोच को वो सब काम आपने करेंगे। एक मेरे सुनने में आया है कि जो विरोधी पार्टी है वो एक प्रचार कर रही है कि फतेहगढ़ माइनर जिसमें नहर निकली है उसकी जमीन जो है वो कमांड नहीं है, पानी बंधा हुआ है, पानी लग रहा है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आम आदमी और किसान को नुकसान हो, मैं तो कोशिश करूंगा वो कमांड कराने का और पानी बढ़ाने की। चौधरी विनोद कुमार, आज तक इस नहर का एक्स्ट्रा पानी नहीं मिला है, ये चोरी छिपे लोग 10-15 क्यूसेक पानी ले रहे हैं जिससे दूसरी नहरों का पानी काट करके इसमें चलाया जा रहा है तो दूसरी नहरें भी मर रही हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि ये नहर लबालब चले और किसानों को फायदा हो। आपने जो विश्वास व्यक्त किया है उसको मैं कायम रखूँ और आपके हर बात की आपके मान सम्मान की मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कमी नहीं आने देंगे, बढ़ाएंगे और मैं आपको एहसास कराऊंगा कि हमने एक अच्छे व्यक्ति का साथ दिया है जिसे हमारा मान सम्मान मिला। इस तरह से चावड़िया साहब ने बताया कि कोई भी आदमी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता और फिर आप तो हमें देने वाले हमसे ले क्या रहे हैं, आपके बनाए हुए हमें। तो मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाऊंगा कि आप निस्पोज हो। वहीं दूसरी ओर चौधरी विनोद कुमार के पुत्र भूपेंद्र चौधरी ने भी इस मौके पर खुशी जताते हुए कहा कि अब सब रूठे हुए मान गए हैं और लोगों को भी समझ आ गया है कि कौन सी पार्टी बेहतर है। बड़ा मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि जो भाई पिछले 20 सालों से 25 सालों से जो बीजेपी में थे और उन्होंने जो पिछले जो चुनावों में कुछ भाई जो चले गए थे मोदी जी के झूठे वायदों की वजह से बीजेपी में चले गए थे वो सब वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। हनुमानगढ़ विधानसभा में एक जबरदस्त सिलसिला चल पड़ा है जहाँ एक पहले शुरू में एक ट्रिकल थी, नाउ इट हैज बिकम अ डिल्यूज, सभी कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सभी भाइयों का स्वागत करता हूँ कांग्रेस के अंदर और बड़ी भारी जीत की ओर अग्रसर हो रही है कांग्रेस हनुमानगढ़ विधानसभा। तो भाजपा से नाराज होने वाली अकेली रेणु चौधरी ऐसी कार्यकर्ता नहीं है जो डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र पर आरोप लगा रही हैं। इसमें कई नाम शामिल हैं और इन्हीं में से एक नाम मंगतू खान भाटी का भी है जो डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र के रवैये से परेशान हैं और अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। अलविदा भाजपा और कांग्रेस सुस्वागतम का बोर्ड लगाकर बैठे ये हैं भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता जो कई सालों से भाजपा पार्टी से जुड़े थे और कई पदों पर स्थापित भी रह चुके हैं, लेकिन इनकी कहानी भी कुछ कुछ रेणु चौधरी की कहानी से ही मेल खाती नजर आती, आप खुद ही सुन लीजिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी को 29 मई 1986 को ज्वाइन किया था, तब हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर बहुत चंद लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। उसके बाद दिन आगे बढ़ता चला गया, 6-7 साल तक तो मैं नगर मंडल का महामंत्री रहा। मुंशीराम जी जुनेजा और कपूर सिंह जी दो मेरे अध्यक्ष रहे, उनके साथ मैंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद जिला चुनाव के अंदर बाद में मैं जिला प्रवक्ता बना रामकृष्ण जी भाकर जी के टाइम के अंदर और 5.5 साल तक मैं जिला प्रवक्ता रहा और बाद में भी मैं विभिन्न पदों पर और विभिन्न कमेटियों के अंदर रहा। लेकिन जब इस बार डॉक्टर साहब के जीतने के बाद अमित के हाथ में सारी सत्ता का और संगठन का केंद्रीकरण होने के कारण हम अपने आप को आहत और उपेक्षित महसूस करते थे, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। और हमारे एक ही मकसद है कि अमित बाबू की मतलब घमंड और अहंकार को तोड़ने के लिए इनको हराना जरूरी है और हराने वाले के लिए कांग्रेस ही सक्षम है। विधानसभा चुनाव में जहां एक ओर भाजपा ने अपने टाउन और जंक्शन दोनों जगहों पर कार्यालयों का उद्घाटन नामांकन के दिन किया, वहीं कांग्रेस भी अपने चुनावी कार्यालय खोलने का फैसला कर रही है जिसमें चौधरी विनोद कुमार के द्वारा टाउन और जंक्शन के में कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। टाउन कार्यालय का उद्घाटन 22 तारीख को होगा और जंक्शन कार्यालय का उद्घाटन 23 तारीख को होगा। इस बात की जानकारी चौधरी विनोद के पुत्र भूपेंद्र चौधरी ने देते हुए कहा कि टाउन के कार्यालय का शुभारंभ करने से पहले कार्यकर्ताओं की एक सभा बुलाई जाएगी जहां कार्यकर्ता अपने अपने विचार रखेंगे।
का कार्यालय का उद्घाटन 22 तारीख को 10:15 बजे होगा, जिसमें हमने एक वहाँ सभा भी रखी है। उसमें क्या किया, हमने सभी टाउन के जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया है ताकि वो एकत्रित होकर विचार विमर्श करें, पार्टी के रीति नीति का प्रचार प्रसार करें, सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। 22 तारीख को 11 बजे हनुमानगढ़ टाउन में गौशाला के पास, कॉलेज फाटक के पास, जंक्शन का 23 तारीख को 11:15 बजे कार्यालय मान प्लाजा के सामने बस स्टैंड के नज़दीक। तो सभी जंक्शन के कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूँ कि सभी भाई 23 तारीख को 11 बजे कार्यालय में पहुँचे, सभा भी रखी, वहाँ सभा में हिस्सा लें और अपने विचार रखें। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे जोड़किया गांव और दिखाएंगे आपको चुनावी सरगर्मियां। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, Punjabi। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान पाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। भाजपा अपने चुनाव प्रचार प्रसार में इस बार महिलाओं को आगे रख रही है। विदित हो कि कुछ दिनों पहले डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र वधु ज्योति सहूल लोगों से पार्टी का समर्थन करने और वोट मांगती हुई नजर आई थी, और अब इसमें मंगलवार को वार्ड 12 में महिलाओं ने बीजेपी के हक में वोट लोगों से वोट डालने की अपील की है। डॉक्टर साहब को वोट दो, बाकी सबको छोड़ दो। डॉक्टर साहब को वोट दो, बाकी सबको छोड़ दो। आप जी के नेतृत्व में उनके लिए जो सभी इकट्ठे होके सभी डॉक्टर साहब के लिए वोट मांगे हैं और सभी को उनकी जो कार्य करवाए हैं सब इसी को जानते हैं। और अभी एक नया और विषय चला है जो कि आरओ का पानी सभी जगह में हनुमानगढ़ में आएगा और तीसरी मंजिल तक पानी चलेगा। 12 नंबर सेक्टर में आज वोट मांगने गए डॉक्टर राम प्रताप जी के पक्ष में, तो हमने जितने भी वोट मांगे हैं वहाँ से बड़ा स्मूथली, इतना अच्छा लोगों से रिस्पांस मिला, घर घर गए, सभी ने हमें समर्थन दिया और एक ही बात बोली हमें कि आप लोगों को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जिस हिसाब से विकास हुआ है वोट आप ही की पार्टी को, डॉक्टर राम प्रताप। टाउन के लॉ कॉलेज के प्रथम और द्वितीय तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज कोर्ट का भ्रमण करवाया गया, जहां विद्यार्थियों को हर कोर्ट और उसमें होने वाली प्रक्रिया के साथ साथ उससे संबंधित न्याय की भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने अपने कुछ सवालों के जवाब भी न्यायिक अधिकारियों से लिए। कोर्ट के बारे में तो जानकारी होगी, हमें देखा भी होगा, कोर्ट से जुड़ा हुआ एक ऐसी संस्था है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हर एक जिले में स्थापित है। अगर इसके मुख्य कार्य में बताऊं कि ये क्या चीज है, इसका क्या परिचय है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रयोजन ये है कि लोगों में राजीनामे के जरिए विवाद का समझौता कराने का प्रयास करना, लोगों में विवादों को समाप्त करना, बैठ करके बातचीत कराना, जिसके तहत लोक अदालत आता है, मध्यस्थता आती है, जिसमें दोनों पक्षों को समझा करके ये प्रयास किया जाता है कि विवाद का अंत करें। दूसरा इसमें पीड़ित प्रतिकर स्कीम है, पीड़ित को प्रतिकर दिलाना। आमतौर पर ये धारणा है कि कोर्ट में जाते हैं तो एक तो सजा होती है या वो बरी होता है। कोई सिविल केस करता है तो उसको या तो कोई चीज़ मांगता है वो मिलती है या नहीं मिलती है। सिविल केस करने में भी जब केस करता है तो कुछ कलरिंग कर देता है, कुछ ये बता देता है कि बड़ा चढ़ा के भी बात सामने ले आता है, लेकिन दोनों पक्ष को बिठा करके जब बातचीत की जाती है तो ये पता चलता है कि जो लिखा है वो बात अलग है, जो जवाब दी है वो बात अलग है, वास्तविक बात तो तीसरी है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों पक्षों के बीच
रेल विधि महाविद्यालय हनुमानगढ़ टाउन की तरफ से प्राचार्य महोदयों के निर्देशानुसार आज विधि विद्यार्थियों को लेकर हम जो न्यायालय परिसर में आए, जहां हमने डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, एडीजी कोर्ट, एडीएम कोर्ट, सीजेएम कोर्ट, पोक्सो कोर्ट, एससी एसटी कोर्ट और अंतिम बार में हमने जो एडीआर कोर्ट का जो निरीक्षण कराया, विद्यार्थियों को निरीक्षण कराया, जहां डीजे महोदय श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी और अन्य महोदय न्यायाधीश महोदय ने जो बच्चों को विधि के विषयों के बारे में, उनकी जो बारीकियां हैं कानून की, उनके बारे में अवगत कराया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे भविष्य में बच्चों को कुछ बनने की लालसा उनके अंदर जागृत होगी कि इन्हीं बच्चों में से भविष्य में कोई अच्छा वक्ता, कोई अच्छा अधिवक्ता, उसके अलावा कोई इनमें से ही कोई न्यायाधीश बनेंगे। चुनावी समर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी जनता के बीच में अपनी पैठ मजबूत बनाने की कवायद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जहां एक ओर भाजपा अपने विकास के मुद्दे के साथ जनता के बीच में जा रही है, वहीं कांग्रेस के पास में विपक्ष को घेरने के लिए जीएसटी, महंगाई और नोटबंदी जैसे मुद्दों की भरमार है। लेकिन क्या कहती है जनता इस बारे में, स्काई चैनल ने लोगों से थोड़ा सा जानने की कोशिश की। आज हमारी टीम पहुंची भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप के गांव जोड़किया। पेश है बलजीत सिंह की एक रिपोर्ट। सात दिसंबर यानी मतदान दिवस जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए उनके बीच में जा रहे हैं। जहां भाजपा एक तरफ विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रही है, वहीं कांग्रेस जीएसटी, नोटबंदी व महंगाई को लेकर सरकार को विफल करार दे रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जोड़किया गाँव में पहुँचे हैं। जोड़किया जो कि महज 7 किलोमीटर दूर है हनुमानगढ़ के, और एक खास बात है कि जोड़किया डॉक्टर राम प्रताप का पैतृक गांव है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज जनता इनके बीच में आए हैं और जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। इस समय हम गांव के बीच में खड़े हैं और बात करते हैं, यहां पे डॉक्टर राम प्रताप मंत्री रहे हैं, उनका पैतृक गाँव है ये। डॉक्टर राम प्रताप मंत्री रहे, क्या इसका कोई लाभ गाँव को हुआ? मैं ग्राम पंचायत जोड़किया से सरपंच प्रेमचंद मैया। तो डॉक्टर साहब का 5 साल का जो कार्यकाल है जोड़किया गांव के लिए बहुत अच्छा रहा है। भाई लंबे समय तक डॉक्टर साहब मंत्री रहे, परंतु गांव को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ इसका। जो गांव में विकास करे होने चाहिए थे वो आज तक नहीं हुए। मंत्री जी रहते हुए इन्होंने हमारे रास्ता जरूर बंद करवा दिया, ये तो अच्छा काम किया इन्होंने। वो हमारे लिए विकास का काम काफ़ी आगे तक बढ़ा रहे हैं, और नालियों का विकास अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे गांव में अच्छा काम हो रहा है। तो यार डॉक्टर साहब को हम ही कहना चाहते हैं, हम भी हमारे लिए डॉक्टर साहब भगवान है, अच्छा काम किया है हमारे लिए, सारे गांवों में, हमारे जोड़ के अकेले में नहीं, सारे ही। और सभी इस बात के लिए परेशान है, गलियों के जगह जगह मिट्टी डालकर ये जो मेन गलियाँ हैं सबकी गलियों के अंदर ये अवरुद्ध कर रखे हैं, और ना ही गली का समाधान किया गया है और ना ही इसका पानी लेवल सही ढंग से निकासी नहीं की गई है। अगर कोई समस्या ना होती तो भाजपा छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? इन्होंने ये पहली बात तो ये है, ये जातिवाद करते हैं। आपने गांव में देख ही लिया, इस तरफ सारी पक्की रोड़े बन गई, और इधर जो सरदारों का और छिम्पों का और जो हमारा वास है वहाँ पे कोई पक्की ईंट ही नहीं लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है कहने वाले कहते हैं, लेकिन मेरी कार्यकाल में और डॉक्टर साहब के कार्यकाल में जोड़किया में काम हो रहा है, अभी भी चल रहा है। जो स्वीकृतियाँ पीछे से जारी हुई है आचार संहिता से पहले, वो काम अभी भी चल रहा है। और नंबर वाइज जैसे हमारे 13 वार्ड है, तो वार्ड वाइज मैं काम कर रहा हूँ, न कि किसी के भेदभाव से कि भी ये कोई दूसरा है या मेरे जान पहचान का नहीं है या मेरे साथ बनती नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं है। और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, और 1 साल में वो भी पूरा कर लूँगा। जिसने कहा है मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, और वो देखें
टीवी चैनल पे, तो मैं उनके माफ़ी मांग रहा हूँ, कभी उनका भी काम होगा। विकास तो होया ही नहीं जी, साढ़े 27 नंबर बूथ है उत्थे जाके देख लो, 3 नंबर 4 नंबर वार्ड च इन्होंने विकास काम किया ही नहीं। तो बाली बाली गल ये है भी शमशान घर घाट नूं जाण वास्ते भी रस्ता है नहीं गा। पिछले जे दिनां च इत्थे मर्ग हो गई सी पिंड च, तो उस दे इन्हां दे परिवार च ही हो गई सी, उहनूं लै के गलियां च तुरे फिरे गए रहे, तो शमशान घाट जाण नूं रस्ता भी है नहीं सी, जिंदी थां थां अवरुद्ध पिया सीगा, थां थां पानी चिक्कड़ नंघन टप्पण नूं जगह भी है नहीं सी। सभी वार्डों में अच्छा काम हुआ है, सड़कें बनी है, कल्याण भूमि यहाँ से लेकर कल्याण भूमि तक सरपंच साहब से हमारी पहले बात हुई थी, हमने पूछा था भाई ये क्यों नहीं बनी, तो सरपंच साहब ने बोला ये सेक्शन हुआ है, जल्दी ही बन जाएगी वो काम। सेक्शन होने में टाइम लगता है बनने में, पर वहाँ कुछ वहाँ तक सड़क गई हुई है, थोड़ा ही जगह है जो शेष है वहाँ पर, और तो लगभग बना हुआ है, गाँव में अच्छा विकास हुआ है। कुछ जो काम बाकी है वो भी आगे हो जाएगा, मैं सरपंच के तहत तो कह रहा हूँ कि भी मेरा एक साल का कार्यकाल बाकी है, उसमें मेरे को जो भी पंचायती राज से जो पैसा आएगा मैं उन नालियों में ही लगाना है और विकास का काम कराएंगे। सबसे बड़ी समस्या इस गांव के अंदर शोरायुक्त पानी की है, जो पीने के लिए पानी आता है उसमें सबसे फ्लोड जो है वो ज़्यादा है, शोरा ज़्यादा है। कुछ नहीं हुआ, जो पर्सनल किसी के रास्ते गाँव के खेतों में जाने के लिए उसको बंद करने का काम ये कर रहे हैं। बिल्कुल सब मेन चीज़ जो गलियों की है समस्या, उसमें जगह जगह मिट्टी डलवा कर जिन्होंने विजिट दिया या सरपंच साहब के थ्रू जिसी के कैसे किया, जो भी नालियां बनाई उन्हें कहीं भी कनेक्शन किसी से पानी का निकासी का काम नहीं किया गया है। पानी का पहले तो सारी नहरें भी पक्की बनवा दी, विश्व बैंक से पैसा मंजूर करवा के, वसुंधरा जी उन्होंने भी शाबाशी दी है भी इतना आज तक मतलब हिंदुस्तान में इतना पैसा मंजूर किसी मतलब मंत्री ने नहीं कराया। जो पहले अपने सिंचाई पानी देते थे हफ्ते की, एक हफ्ते बंदी और एक हफ्ते नहर में पानी आता था, तीसरे हफ्ते में बैलेंस का पानी मिलता था, वो उन्होंने बंद कराने का काम किया, अभी बैलेंस का पानी हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए उन्होंने ये बंद करवा दिया। तो आज के बुलेटिन में इतना ही, कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।